मैंने तुम्हें बहुत याद किया सरदार। मैं ही हूँ जो तुम्हें याद करती हूँ। मुझे लगता है मुझे उससे प्यार है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। प्यार था, हाँ ये ज्यादा मुनासिब है। क्या आप प्लीज इसकी आवाज कम कर सकते हैं? बेहतर रहेगा इसे बंद ही कर दीजिए। हाँ क्या हुआ सरदार? सरदार मतलब? हाँ सरदार, तो और क्या मेहमत कहूँ तुम्हें? नहीं, जब भी तुम मुझे मेरे नाम से पुकारती हो तो इसका मतलब कि तुम किसी बात पर नाराज हो, तभी तजस्सुस हुआ। तो क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि ना ही तुमने मेरी कॉल्स उठाई ना मैसेजेस का जवाब दिया है सरदार, या फिर ये नाम भी नकली है? खैर मैं अभी अंतरा पहुंचा हूं। वैसे तुम सही हो, ऐसा लगता था जैसे पूरा लंदन मेरी आमद का मुंतजर हो, क्योंकि मेरे पहुंचते ही सारे काम मेरे सर डाल दिए गए। यकीन मानो मेरे पास सांस लेने के लिए भी वक्त नहीं था। इंतहाई माजरत खा। हेलो जेरिन, तुम जानते हो मैं क्या सोच रही थी? मेरे बारे में? मेरे ख्याल से तुम झूठ बोल रहे हो। और ये सबसे बुरी चीज है जो हमारे दरमियान हो सकती है, दोनों का एक दूसरे पर से एतबार उठ जाना। तुम्हारा ये रद्दे अमल कुछ ज्यादा नहीं, झूठ बोलने से तुम्हारा क्या मतलब? सरदार मैं तुम्हारे साथ ईमानदार थी और ईमानदार रहूंगी, मगर मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। यहाँ तक कि तुम जानते हो क्या, मुझे इस बात पर भी भरोसा नहीं कि तुम अंकरा में हो। हेलो, कैसी हो मेरी जान? ये क्या है सरदार? मुझे एक एतराफ करना है तुमसे। बोलो, मैं सुन रही हूँ। जरिन तुम बिल्कुल सही थी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने झूठ बोला। मैं इस वक्त अंकारा में नहीं हूँ। देखो मैं कहाँ हूँ। जैसा कि तुम देख सकती हो मैं अब भी लंदन में ही हूँ, और इस वक्त मैं लंदन की मशहूर टैक्सी में हूँ, और टैक्सी ड्राइवर भी तुम्हें हेलो कह रहा है। जेरिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं मजीद तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहती सरदार। मैं भी। अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ, कल बात करते हैं, ये ठीक है? ठीक है मेरी जान। अब हमारी मुलाकात कब होगी? कल इंशाल्लाह। ठीक है, जल्द मिलते हैं।